Good morning. So today is our day 3 in Manali and it's approximately 9 a.m. in the morning. और हम सब अभी शुरू करेंगे हमारा ट्रिप, जो है आज का दिन सिर्फ लोकल ट्रिप रहेगा. एंड टू टेल यू वन थिंग, वेरी दैट वाज रियली नाइस व्हेन आई वोक अप यस्टरडे. इट वाज रियली टायरिंग एंड आई जस्ट स्लेप्ट लाइक एनीथिंग. और बहुत अच्छी नींद आई. इट वाज माइनस, द टेम्परेचर इज़ गोइंग बिलो, आई मीन माइनस वन और माइनस टू लाइक पास्ट सिंस पास्ट टू डेज. और जब हम कल का मतलब रोहतांग का हमने ट्रिप किया था, इट वाज रियली अमेजिंग. आपको तो हमने बताया ही था. एंड इट स्टार्टेड रेनिंग फ्रॉम द इवनिंग. उसके बाद से वी फेस्ड दैट रेनी जर्नी, जो कि मतलब काफ़ी रिस्की था और बहुत हेक्टिक भी था. एंड वी गॉट बैक टू आवर होटल. इट वाज रियली टायरी. जस्ट आफ्टर हैविंग होलसम डिनर वी स्लेप्ट लाइक एनीथिंग. मैं आज काफ़ी लेट उठी और सुबह को उठने के बाद जो नज़ारा देखा हम मैंने, इट वाज समथिंग बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन, क्योंकि मैंने ऐसा कभी नहीं देखा पहले. ये जो माउंटेन रेंजेस हम देख रहे हैं पीछे, ये माउंटेन्स के बीच में से क्लाउड्स हुए थे. एंड ये क्लाउड्स जो थे, इट वाज फॉर्मिंग फ्रॉम द रिवर्स. क्लाउड्स हाउ दे आर फॉर्म्ड. तो ये रिवर से क्लाउड्स फॉर्म हुए थे एंड फिर वो धीरे धीरे दे वर राइजिंग अप और देन दैट क्लाउड्स दे मूव्ड ऑल थ्रू आउट. फिर यहाँ पे बारिश शुरू हो गई एंड नाउ द क्लाउड्स हैव मूव्ड अपवर्ड्स एंड आई थिंक नाउ इट्स रेनिंग ऑन टॉप ऑफ द हिल्स वेयर वी कैन सी. सो एनी वेज द सराउंडिंग व्यू, द एंटायर जो नेचर का जो व्यू है, इट्स जस्ट वंडरफुल. It's beautiful. बहुत सुंदर है. And the temperature is 3 degree right now. And आज हम अभी local trip शुरू करेंगे, जहाँ पे मेरा मन है we will do something like a village trek or something, कुछ थोड़ा सा different. वैसे in Manali there are many places like Vashish temple, then Manu temple, Bijli Mahadev and Hadimba Devi temples. And we have many more other places also, like Manali shopping, I mean the mall, Manali this market where you can go for shoppings. That will definitely go in the evening time. Lekin filhal hum pehle Vashish temple jayenge aur uske baad hum koshish karenge ki Vashish temple ke wahan se kuch village treks hote hain. So if we can go for some village treks and we'll also try for some local cuisines if possible. That's my target for the day. And let's start our journey. So right now say bye bye to the view from my balcony and we'll just step outside. यहाँ हम नोटिस कर सकते हैं चारों तरफ खूबसूरत सेब के पेड़ लगे हुए हैं, जो कि ये अपने आप में एक खूबसूरत नज़ारा है. और मनाली में ऑलमोस्ट हर घर में, हर फैमिली में एक न एक एप्पल का ट्री ज़रूर है. ये हमने देखा है, जो एक छोटे से छोटे बड़े से बड़े घरों तक एप्पल ट्रीज़ इन्होंने प्लांट किया हुआ है. जो ये मानते हैं कि ये ट्रेडिशन ना सही, लेकिन एक कम से कम एक रिचुअल के तौर पर एप्पल ट्रीज़ का प्लांटेशन इनके लिए बहुत एक इनकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है. और ये चारों तरफ एप्पल ट्रीज़ का जो सीनिक व्यू है, और साथ ही साथ स्नोई माउंटेंस यानी बर्फीले पहाड़, और साथ में माउंटेंस में से चलते हुए एकदम पतली पतली सड़कें, ये सब कुछ कुल मिला के एक अपने आप में एक इतना खूबसूरत नज़ारा बन रहा है, जो हम देखते ही बनते हैं, मतलब देखते रहते हैं.
फिर हमें मिली यहाँ की लोकलाइट लीला देवी। चावल है। अच्छा। यही खाते ही मजा खाना। नहीं, और भी खाना होता है ना जो एकदम टिपिकल हिमाचली फूड होता है, तो सब्जी होती है ना। सब्जी भी ऐसे। कौन सी सब्जी अच्छी? सबसे पहला यहाँ फर्स्ट मनाली में राजमा है ना। राजमा है सबसे। अच्छा। फिर आलू गोभी ये तो चलता ही है सब। अच्छा। सुबह क्या खाते हैं आप लोग? सुबह हम लोग तो ऐसे ही दाल चावल ही खाते हैं। अच्छा। दिन को खाते हैं, जैसे दिन को भूख लगी फिर खाते हैं 1-2 बजे ऐसे भी। 2 बजे फिर क्या खाते हैं? चपाती खाते हैं कभी, ऐसे वो चिलड़ा परांठा ऐसे। चिलड़ा? हाँ चिलड़ा खाते हैं। अच्छा। चिलड़ा किस चीज से बनता है? आटे से। आटे से बनता है। और शाम को आप लोग कितना बजे खाते? आप अपनी मर्जी, 8 बजे भी खाते हैं, 10 बजे भी खाते। यहाँ पर देखा काफी लोग जल्दी सो जाते हैं। हम लोग बहुत थकते हैं ना, गाय के साथ बहुत काम करते हैं, लोग जिम्मेदार है, बिल्कुल उठना पड़ता है। अभी आजकल इनका सीजन लगा है, कभी टूरिस्ट के वहाँ नीचे जाते, कोई कोई हम लोग तो घर में ही है ना, हम लोग तो गाय है, मेरे पास तो गाय है, बच्चे है, घी खाना अपना, दही है अपना, दूध है अपना, सब ये अपने है, जो तो केमिकल कोई केमिकल नहीं। अरे वाह। और यहाँ अगर आपके यहाँ पे आपके यहाँ का अगर खाना खाना हो हमें एकदम हिमाचली खाना, तो फिर कहाँ कहाँ मिलेगा? आप कहाँ खाएंगे? हम लोग बहुत मोटा मोटा खाते हैं हर चीज। अच्छा, अच्छा। हम लोग रोटी नहीं खाते, हम लोग सिड्डू खाते हैं। हाँ, सिड्डू कहाँ पे मिलेगा? सिड्डू खाते हैं, फिर वो बहुत कुछ खाते हैं, गीचे खाते हैं। अरे क्या बात है। चावल खाते हैं, ऐसे ऐसे खाते हैं हम लोग, अपनी गाय का घी खाते हैं। क्या बात है। अच्छा, पहाड़ पे आप लोग चढ़ते हैं, मतलब ऐसे जाते हैं? ऐसे जाते हैं हम लोग, पहाड़ में जाते हैं। जाते हैं? अच्छा, क्या क्या उधर, मतलब ऐसे ऐसे शांति के लिए, अपने एंजॉय के लिए जाते हैं। अच्छा, हम लोग को भी अगर जाना पड़ेगा तो कहाँ जाए, मतलब ऐसे, मतलब चढ़ाई, पहाड़ चढ़ाई हम देखना चाहते हैं। अब हाथपुर जा सकते हैं, हमटा भी जा सकते हैं। हमटा? हमटा भी जा सकते हैं, भृगु तो आप नहीं चल पाएंगे, बहुत दूर है भृगु है। फिर वहाँ भी जा सकते हैं, रोहतांग भी जा सकते हैं। रोहतांग कल गए थे। हाँ, रोहतांग थोड़ा वो करके जाके थोड़ा वो यही है पार में। आप कहाँ रहने वाले? दिल्ली के हैं। दिल्ली के? अच्छा। हमारा बहुत मन है यहाँ पे आपके शायद वशिष्ठ टेम्पल के पास शायद कुछ एक गांव भी है, वहाँ थोड़ा ट्रैकिंग हो सकता है, वहाँ थोड़ा सा चढ़ाई है थोड़ा सा। हम पहले भी गए हुए हैं, बहुत सुंदर है वहाँ पे, जोगनी फॉल्स। हाँ हाँ हाँ, वहाँ पे थोड़ा सा ट्रैकिंग भी होता है ना, तो वहाँ पे फिर ऐसे चलते हुए जाए। और कुछ अगर यहाँ का खाना, लोकल घर में रह सकते हैं आप, जैसे आप गांव में जा सकते हैं, वहाँ होटल है। अच्छा। बम्बे के है। अच्छा। जैसे मेरे बच्चे है वहाँ यहाँ मथियाने में, वहाँ टूरिस्ट जैसे बहुत आ रहे हैं, वहाँ मिलेगा आपको सिड्डू मिलेगा, लोकल। अच्छा। खाना मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। बहुत बढ़िया। बहुत मन है। हाँ, ऐसे जाने का और वैसा खाने का, क्योंकि हम लोग जहाँ भी जाते हैं बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में बैठ के वो पंजाबी खाना वो सब तो खा लेते हैं। सामने में गांव में, तो फिर अब जाएंगे आप? अभी ऐसे ही हम आज का दिन वही रखे हैं। गांव में आके गांव के अंदर वहां रहने का भी कोई इंतजाम होता है? 5 कमरे है, टूरिस्ट की तरह होटल देते हैं, खाना भी वहां गांव की लड़कियां है, लेडीज है। अच्छा, वहाँ का लोकल खाना वो भी खा सकते हैं? आप बोलेंगे उनको भाई मैम नहीं ये लोकल खाना खाना, वो खा सकते। तो आज तो जरूर देख के आएंगे, और दोबारा वहाँ जाके रहने का बहुत मन है इस बार तो। एक बारी चलो ऐसे घूमने, दिन को आप मेरे को टाइम दे दो, मैं आपके साथ हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप मेरे साथ चलना, मैं आपको दिखाऊंगी, अगर आपको पसंद लगे गांव का भी, सारे गांव वाले को भी दिखाएंगे, ये गांव ऐसे रहते हैं, ऐसे करते हैं। ठीक है, फिर आपके बम्बे के है उन्होंने लिया है और रेंट पर। अच्छा, अच्छा, जो होटल है वही ठहरना, आपको अच्छा लगेगा तो 2-3 दिन बहुत अच्छा लगेगा, और बहुत मन है, देखते हैं कब कर सकते हैं ऐसा। ये थी हमारी लीला, और लीला जी ने हमें बहुत कुछ बताया यहाँ कैसे लोग आके रहते हैं विलेजेस के हाउसेस में। अगर आपको वैसा एक्सपीरियंस चाहिए गांव के किसी घरों में रहने का, इन्होंने खुद अपने हाथों से पका के खिलाने का भी एक प्रॉमिस किया है, तो हम कोशिश करेंगे कि अगली बार हम जो ट्रिप में आए टोटली हिमाचली विलेज ट्रिप हो, क्योंकि ऐसे तो आके साइट सीइंग्स और ये सब कुछ हम लोगों ने बहुत बार किया हुआ है। सो लीला जी से मुलाकात हुई और बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ जानने को मिला है,
और भी हम देखते रहेंगे, अगर यहाँ के लोकल लोगों से मिलके और भी कुछ जानकारी हासिल होती है तो। तब तक